आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ डस्टिंग स्टाइल चिली पनीर की रेसिपी, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं काफ़ी सालों से इसे बना रही हूँ और सच मानिए, आज तक जितने लोगों ने भी इसे खाया है ना, उन सभी लोगों ने कहा है कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी है। पता है आप भी यही कहेंगे जब आप मेरे बताए गए तरीके से इसे बनाएंगे, क्योंकि ये रेसिपी बाकी सारी रेसिपी से थोड़ा हटकर है। इसमें मैंने कुछ सीक्रेट मसाले भी यूज़ किए हैं जो इस रेसिपी को बाकी सब रेसिपी से अलग बनाती है। तो आज वही सारे सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका बनारसी जायका में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है और इसी तरह से मैंने चौकोर पीसेज में बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 8 से 10 हरी मिर्च लिए, इसे लंबे टुकड़ों में काटा है। 25 से 30 कलियां लहसुन की है बारीक कटी हुई और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है बारीक कटा हुआ। इसके साथ ही इस सब्जी को जो है मैं 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसे भी एकदम बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, इसे भी चौकोर टुकड़ों में मैंने काट लिया है। साथ ही यहाँ पे 1 प्याज का जो पेटल होता है ना, मैंने इसे निकाल लिया है और इसे भी चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। प्याज के पेटल्स डालना पूरी तरह से ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डालें या फिर स्किप कर दें। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे पनीर को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए एक बाउल लेंगे और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है और इसके बाद जो है कि 2 बड़े चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लेंगे। आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसके घोल को आप तैयार कर सकते हैं। लगभग 2 से 2.5 चम्मच के बराबर मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर लिया है। इससे क्या होगा ना, इसकी बाइंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी और इसका हमें गाढ़ा पेस्ट बनाना है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर के जगह पे अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार थोड़ा नमक ऐड किया है, साथ ही 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच वेनेगर ऐड करेंगे जो हमने चाउमीन वगैरह में डालते हैं, वाइट वेनेगर वही डालना है, और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे सोया सॉस लिया है। कलरिंग के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा फूड कलर लिया है, रेड फूड कलर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें या फिर ना डालें, इससे कलर अच्छा आता है। और थोड़े थोड़े पानी की सहायता से इसका जो है कि हम गाढ़ा पेस्ट यानी गाढ़ा घोल बनाएंगे। ध्यान रखिएगा ये बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर पड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। इस तरह से इसका गाढ़ा घोल, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बनाना है। अब इस सारे पनीर को इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे जो है कि अच्छे से हम कोट कर देंगे। ध्यान से मिलाइएगा क्योंकि इस पनीर सॉफ्ट होते हैं, चम्मच से मिलाने पर क्या होता है, इसका टूटने का डर होता है। तो किनारों से इस तरह से चम्मच को चलाते हुए ऊपर नीचे करिए और अच्छे से इसे कोट करते जाइए। आप चाहे तो इसे फ्राई करने के लिए एक एक पनीर को जो है कि इस घोल में डिप करते चलिए और उस तरह से भी आप फ्राई कर सकते हैं, वो भी सही रहेगा। मैं जनरली इस घोल को थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि इस घोल को जो बचता है ना, उसका मैं सेव जैसा पकौड़ी जैसा फ्राई कर देती हूँ, जो कि बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगता है। आज वीडियो बनाना था इसलिए मैंने थोड़ा मतलब नाप का ही घोल इस तरह से तैयार किया है। तो यहाँ देखिए सारे पनीर अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब एक पैन लेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और 2 बड़े चम्मच ही कुकिंग ऑयल लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम शिमला मिर्च को ऐड करेंगे और साथ ही प्याज को भी ऐड करेंगे और लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर ही इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करेंगे। और इसके बाद बस इस तरह से देखिए स्पॉट पड़ना चाहिए, इतना ही स्पॉट पड़ने पर हम इसे निकाल लेंगे। हमें इसे गलाना नहीं है, इसे क्रंची ही रखना है। और इसके बाद इसी तेल में जो है हम सारे पनीर को बैचेस में फ्राई करेंगे, एक एक पनीर को इसमें डिप करते जाएं, डायरेक्ट डालें जैसे मन करे वैसे करिए और जहाँ जहाँ थोड़ा छूट गया है तो बैटर को उंगली की सहायता से या चम्मच की सहायता से इस तरह से कवर करते जाएं और पनीर को फ्राई करते जाएं। तो अच्छे से इसे चारों तरफ से सुनहरा होने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, आप पनीर डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर को डस्ट करके सिर्फ उससे ही आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए उलट पुलट करते हुए इसकी सुनहरा होने तक एकदम पकौड़ी जैसा इसे हमने फ्राई कर लिया है और बाकी के बैचेस को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ इस तरह से पनीर के पकौड़े भी बना सकते हैं और सॉस के साथ सर्व करें, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मेरे घर पर तो अधिकतर जो है कि ज़्यादातर पनीर इसी तरह से इसे खा लिया जाता है। अब देखिए जो हमारे पास थोड़ा घोल बचा है ना, तो बस इस तरह से चम्मच की सहायता से चाहे उंगली की सहायता से इस तरह से कैसे भी शेप दे के आप इसे फ्राई कर लें, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसका टेस्ट बिल्कुल जो फिंगर वाले फ्राइम्स होते हैं ना, उनके जैसा लगता है। तो मैं जानबूझ कर इसे थोड़ा एक्स्ट्रा बनाती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
अब देखिए उसी तेल में जो है कि हमने यहाँ पे एक बारीक कटे हुए अदरक मिर्च और लहसुन को ऐड किया है। कुछ सेकंड के लिए इसे अच्छे से स्टर करेंगे। इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज इसमें हम ऐड करेंगे और प्याज को गलाने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे जिससे कि ये जल्दी से थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमें प्याज को गलाना है, सुनहरा भी करना है, लेकिन इसको क्रिस्पी नहीं करना है, मतलब गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है कि इसे ढक ढक कर हम पकाएंगे जिससे कि हमारे प्याज सॉफ्ट भी होते चलेंगे और लाल भी हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए ये पकौड़ियाँ बिल्कुल कितने अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, सॉस के साथ पकौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये बाकी बची हुई जो सेव मैंने फ्राई किए हैं इसके कुरकुरेपन को देखिए कितने कुरकुरे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से आप इसे बना सकती हैं, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। अब देखिए जिस बाउल में हमने जो है बैटर तैयार किया था उसी बाउल में थोड़ा पानी और एक चम्मच कॉर्नफ्लावर लेके इसका हम पतला सा घोल बनाएंगे और किनारों पे जो लगा हुआ है बैटर उसे भी खुरच कर आपस में मिक्स कर देंगे और थोड़ा और पानी ऐड करेंगे, एक पतली सी स्लरी बनाकर तैयार करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर ग्रेवी वाले चिली पनीर बना रहे हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। अब देखिए यहाँ पे प्याज भी हमारे जो है लगभग 10 से 15 मिनट के बाद सॉफ्ट हो गए हैं और सुनहरे भी हो गए हैं, है ना, बिल्कुल क्रिस्पी नहीं है। तो बस अब इस स्टेज पे आंच को धीमी करेंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच ही गरम मसाला ऐड करेंगे। आप इसे ट्राई जरूर करिएगा, अच्छा फ्लेवर आता है। तो कुछ सेकंड के लिए अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और ये देखिए अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच ही अजीनोमोटो नमक ऐड किया है। इसे लोग बोलते हैं कि मतलब ये बैन है, इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, पर मेरा मानना है कि ज़रा सी क्वांटिटी आप पूरे परिवार को मतलब खिला रहे हैं और ये रोज़ रोज़ आप नहीं खा रहे हैं तो कभी कभार खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे क्योंकि टेस्ट चाइनीज़ वाला इससे ही आता है। आप लाख सॉस वगैरह डालने बिना इसके सॉस के मतलब इसे टेस्ट आएगा नहीं। और आप इसकी जगह पे एरोमेट पाउडर आता है, आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दो चम्मच जो है कि वाइट विनेगर ऐड किया है, साथ ही एक बड़ा चम्मच जो है कि सोया सॉस ऐड किया है। कोई भी सोया सॉस ले सकते हैं, डार्क सोया सॉस कुछ भी। और साथ ही यहाँ पे दो चम्मच मैंने रेड चिली सॉस लिया है और चार बड़े चम्मच जो है कि मैंने टोमेटो सॉस लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में हम वापस इसे टेस्ट करेंगे। अगर हमें जरा सा भी कुछ कम लगता है तो इसमें सारे सॉस को वापस से हम इसमें ऐड करेंगे। और लास्ट में यहाँ पे एक सीक्रेट मसाला है जो कि मैजिक मसाला है, मैजिक मैगी का आता है। इस एक पाउच को आप ज़रूर इसमें ऐड करें, इससे भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम भून लेंगे और लास्ट में हम जो है कि आधा छोटा चम्मच से भी कम जो है यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे इसके खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए। साथ में हमने जो स्लरी बना के रखा हुआ है उसे भी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और अपनी पसंद के हिसाब से मतलब इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें थोड़ा और पानी हम ऐड करेंगे क्योंकि अभी सारी चीज़ों को जब इसमें हम डालेंगे तो वो पानी अब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने आधा कप के बराबर और पानी ऐड किया है। अब इसमें हमने रेड फूड कलर ऐड किया है, ये भी ऑप्शनल है, मार्केट में भी कलर डाला जाता है तो आप इसे डालें, इससे कलर और टेक्सचर सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ही अब जो है इसमें, तो इस स्टेज पे मैंने इसे टेस्ट किया है और मुझे इसमें थोड़ा मतलब कमी लग रही थी तो मैंने इसमें रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस और थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है। आप ग्रीन चिली सॉस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें टेस्ट कर लिया है। अब इसमें हमने जो फ्राई करके शिमला मिर्च, प्याज और पनीर रखा हुआ है उसे ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ही इसे धीमी आंच पर ढककर 2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके थोड़ा और भी गाढ़ा होते चलेगा। अगर आपको ग्रेवी थोड़ा और चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ा और बढ़ा दीजिए, मतलब 1 कप पानी कर दीजिए। अब देखिए 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है और कितना सुंदर कलर आया है ना, एकदम सब कुछ अच्छे से पक चुका है। शिमला मिर्च भी हमारे क्रंची हैं और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहा है ना। तो हमारा चिली पनीर बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्लेम को हम ऑफ करते हैं और ऊपर से गार्निशिंग अगर आप करना चाहें तो स्प्रिंग ऑनियन से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। चलिए फटाफटी से अब हम सर्व करते हैं। ये लीजिए हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल उससे भी ज़्यादा टेस्टी घर पर ही बना हुआ चिली पनीर बनकर तैयार है। अब आप इसे नान के साथ खाएं, रोटी से खाएं,
पराठा से खाएं, फ्राइड राइस से खाएं या ऐसे ही खाएं, ये हर तरह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यकीन मानिए इस तरह से बनाइए, एकदम हटकर बनेगा सब्जी। ये जो भी आप बना रहे हैं ना, मार्केट में जितना भी खाया है उन सब से एकदम हटकर और बहुत ही टेम्पटिंग फ्लेवर वाला है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मेहमानों को भी खिलाएंगे ना तो उन्हें बहुत पसंद आएगा, तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। और रही बात अजीनोमोटो नमक की, तो आप चाहें तो इसके बदले में एरोमेट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ये रेस्टोरेंट वाले इसे यूज़ करते हैं। और जो लोग बाहर चाउमिन वगैरह फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो बाहर में यही सब चीज़ें पड़ती हैं, तभी तो टेस्ट आता है, तो इतना आप मत सोचिए बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत अजीनोमोटो नमक चलता है। और अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप अजीनोमोटो यूज़ ना करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय।